हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ये मानसिक प्रॉब्लम है, ये मेंटल इलनेस है। लड़की को देखा, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था तो मैं स्कूटर में जाता था और मेरी बहन मेरे पीछे बैठी थी और मुझे याद है एक एक आदमी अंकल बुढ़ा लड़का आते थे, कोई लड़का नहीं देखे। तो ये एक लड़कियों को देखने का जो एक इनकी हिमाकत है, जो इनका लालसा है, पता नहीं इसका शायद कारण ये है कि इनको या तो इनकी भूख शांत नहीं होती, या तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल कर दो भैया इनकी, वरना जो इन लड़कियों को नहीं अफेक्टेड होना वो बेचारी फंसती है इस वजह से, या तो इनकी भूख मिटने दो, एक जगह बना दो कि जाओ भैया अपनी प्यास भूख मिटाओ सालों, और कुछ कंट्रोल में नहीं हो रहा तुमसे, या तो ऐसा कुछ होना चाहिए, और या तो फिर ये जो फांसी नहीं होनी चाहिए लोगों को, फांसी बहुत सस्ती चीज़ है। फांसी में तो क्या आदमी लड़क की बदल रहा उसकी लाइफ बदल, जो ये तो बेचारे मर गए, जितनी लड़कियां जिंदा हैं उनका तक उनकी तकलीफ सोचिए आप, जैसे वो रोज़ जब उठती होंगी शक्ल लगती अपनी की ओ माय गॉड इस लड़की ने बलात्कार को से गुजरी है, अपने आप को देख के सोचती होगी वो। इनको कुछ अलग करना चाहिए, इनको किसी बहुत अंधेरे कमरे में जहाँ ज़िंदगी में कभी कुछ सूरज न दिखे इनको वहाँ छोड़ देना चाहिए, खाना पिला दो पर उनकी ज़िंदगी अलग करनी चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम अगेन एवर, दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवर अगेन, बिकॉज़ दे डोंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें ये जघन्य अपराध जो है ये इसकी सज़ा कभी अगर किसी भी लड़की को जब बहुत शराब पी हो और उसको लड़की को मन करे कुछ बलात्कार करने का तो उसको वो याद आ जाए कि वो अगर मैंने ये कर दिया तो मैं अंधेरे कमरे में पूरी जिंदगी बीतेगी, ये डर होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सबसे पहले रेप को एक नॉन वेलेबल ऑफेंस का खिताब मिलना चाहिए। नॉन वेलेबल यानि नॉन वेलेबल, बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, चाहे बलात्कार करने वाला किसी मंत्री का बेटा हो या किसी बहुत ही ताकतवर इंसान का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, ये ऑफेंस एक नॉन वेलेबल ऑफेंस होनी चाहिए। और दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए ऐसे केसेस के लिए, इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए, ना कि 10 साल बाद या 20 साल बाद, तुरंत 24 घंटे के अंदर। Mm-hmm.